हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गुप्ता ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शुभम जी जुड़े हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र से और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। इन्होंने क्या जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंटी बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे, तो उसमें से हम कुछ आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम और एक्सपीरियंस वो जानना चाहेंगे कि किस कंपनी में एक्सपीरियंस है, क्या वर्क आपका जॉब प्रोफाइल क्या रही है। मेरा नाम शुभम सोन कांबे है। मैंने बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बीम में 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग तीनों ट्रेड में है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में पहले 6 मंथ मैंने ट्रेनिंग ली, तो तब मैंने ट्रेनिंग इंजीनियर था। फिर 6 मंथ के बाद जूनियर बीम मॉडलर, फिर उसके बाद एसोसिएट बीम मॉडलर। 1.5 साल के बाद मैंने एसोसिएट बीम मॉडलर पे प्रमोशन हो गया। तो यह बीम फील्ड में MEP में क्या रहता है कि हम जब मतलब यूनिवर्सिटी हो गई, मॉल्स हो गए, बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, उनका स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। मतलब वॉल्स, स्टेयर्स, इलेक्ट्रिकल की प्लम, इलेक्ट्रिकल के LED लाइट्स, फैन कहाँ पे फिट करने हैं, फिर प्लम्बिंग के पाइप्स कहाँ पे फिट करने हैं, फायर फाइटिंग के पाइप कहाँ पे फिट करने हैं, तो हम उनका पूरा मॉडल बना के ऑन साइट पे दे देते हैं। फिर वो ऑन साइट पे वर्क होता है। मतलब अभी एक वॉल होगा, स्ट्रक्चरल वॉल होगा, तो वॉल से हम डिस्टेंस भेज देते हैं उनको कि 1 फीट 5 इंच, 10 फीट 5 इंच, तो उसपे हम एक LED फिट कर सकते हैं। तो वैसा हम पूरा डिजाइन करके ऑन साइट पे भेज देते हैं। फिर ऑन साइट पे वो एक मतलब पेपर पे आ जाता है, डायमेंशन डायमेंशन भी आ जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट भी उसमें प्रिंट करके आ जाता है। तो ऑन साइट पे उस तरह से फिटिंग हो जाती है। तो मेनली हम 3D में भी देख सकते हैं और 2D में भी देख सकते हो। क्या सर, आपका मेनली वर्क क्या था? ये तो आपके मेरा वर्क था। मुझे मुझे बिल्डिंग की, हाँ हाँ हाँ, तो मेरे पास थोड़े दिन के लिए इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट था। तो मैं LEDs, लाइट्स, स्विचेस और कॉन्ड्यूट्स मतलब वायर्स, उनका मॉडलिंग कर रहा था। तो एक रूम, मतलब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक रूम आती है, रूम में हमको LEDs फिट करने रहते। तो LEDs कहाँ कहाँ पे फिट करने, वो उसका मतलब एक मॉडल आ जाता है हमारे पास। तो हम उस मॉडल को देख के सेम टू सेम 3D मॉडल में वर्क करते। तो हम 3D मॉडल में एक फैमिली रहती है इक्विपमेंट्स की, जैसे टेबल की एक फैमिली रहती है, LED की फैमिली रहती है, अलग अलग टाइप की लाइट्स की फैमिली रहती है। तो हम वो अलग अलग टाइप की लाइट्स की फैमिली रेवेट सॉफ्टवेयर है। तो रेवेट सॉफ्टवेयर में हम 3D में प्लेस करके उसको फिर बाद में 2D में कन्वर्ट करके डायमेंशन देके ऑन साइट पे भेज देते, तो वो डायमेंशन देके फिट करते उधर। अगर मैं जॉब करना चाहूं तो कैसे मुझे ये जॉब मिल सकती है, प्रोसीजर क्या है? वैसे तो आपको पहले तो सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लाइक ऑटोकैड, रेवेट, फिर सॉलिडवर्क्स। तो उसमें अगर आपकी कमांड होगी थोड़ी, ऑटोकैड भी चलेगा उसमें अगर आपकी कमांड होगी। तो मैंने तो पोस्ट डिप्लोमा किया था प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, इंडोजन वर्ल्ड टूल रूम औरंगाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है वो। तो उस कॉलेज से मैंने पोस्ट डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद पोस्ट डिप्लोमा किया था प्रोडक्ट डिजाइन में, 1 ईयर का कोर्स है वो। तो उसके बाद मुझे वो जॉब लग गई थी वो कोर्स की वजह से। तो कोर्स करना जरूरी है? तो अगर आपकी कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर में होगी तो नहीं, कोर्स करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपका मतलब आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर में, प्रैक्टिकल नॉलेज में, मतलब प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आप, थ्योरी से बढ़कर प्रैक्टिकल में आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट है आपका, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपका थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। मैंने कोर्स किया था, फिर कोर्स के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में मुझे कहाँ से लगी थी, कैसे लगी थी, मतलब मेरी जॉब कॉलेज से ही लगी थी, मतलब प्लेस हुआ कॉलेज प्लेसमेंट, डायरेक्ट बताइए, प्लेसमेंट से हुआ था? कैसे लगी थी? हाँ, प्लेसमेंट से। हाँ करेक्ट, हाँ प्लेसमेंट से हुआ था, प्लेसमेंट से।
सैलरी फ्यूचर क्या है प्राइवेट जॉब्स का? अगर हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो फ्यूचर क्या रहेगा प्राइवेट जॉब्स में? मतलब सर पहले तो सैलरी मतलब हाई रहेगी, स्टार्टिंग में हाई नहीं रहेगी, स्टार्टिंग में आपको कम ही मिलेगी सैलरी, लेकिन अब्रॉड जाने के चांसेस है इस फील्ड में स्पेसिफिकली इस फील्ड में बीम में अब्रॉड जाने के चांसेस है, क्योंकि इस फील्ड में सर ज्यादा लोग नहीं है अभी अभी तो मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है बीम का, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑन साइट पे सिविल में साइट पे जाते हैं, मैकेनिकल में प्रोडक्शन में जाते हैं कंपनी में, तो उसका ये बीम फील्ड का ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं बीम फील्ड में तो अगर कोर्स करेंगे सर्च करेंगे कंपनियां तो आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब आपका जब सॉफ्टवेयर पे कमांड बैठ जाएगा अच्छे से तो आपका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी फिर, और टीम हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए, लीडर लीडर की क्वालिटी जो रहती है वो अगर आप में होगी तो आप टीम हैंडल कर सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करके या प्राइवेट जॉब मतलब है में घुसे एंट्री करें हम, तो किसको आप प्रेफर करना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब में? क्योंकि कुछ स्टूडेंट के साथ फाइनेंशियल इशू होता है, उन्हें प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है गवर्नमेंट जॉब। वैसे सर प्राइवेट जॉब में भी अच्छा है, आपको वर्क एनवायरनमेंट अलग मिलता है प्राइवेट जॉब में, मतलब आपकी स्किल्स पूरी मतलब दिखाने का मौका मिलता है प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में वैसा नहीं रहता, वो स्पेसिफिक काम रहता है वो हम कर सकते हैं स्टडी करके फिर जब जॉब लगे जो स्पेसिफिक काम रहता है, लेकिन प्राइवेट में वैसा नहीं रहता, आपकी मीटिंग्स रहती है हर जगह पे, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो प्राइवेट जॉब आपके लिए है मतलब मस्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ग्रोथ होने में कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तो और क्या बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट जॉब आपको में? फिर अलग अलग सिटी में जाने का मौका मिलता है जॉब की वजह से। प्राइवेट जॉब मतलब सर प्राइवेट जॉब में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा रहती है, लाइक स्पोर्ट्स ट्रिप्स ये है सर, बाकी का आपको एनवायरमेंट अलग मिलता है गवर्नमेंट में, मतलब सिंपल रहता है सर, प्राइवेट में एसी एंड ऑल सर, मतलब ब्राइट 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 सब अच्छा रहता है, फिर आपको नॉलेज बढ़ जाती है आपके आपके फील्ड में, आप और ग्रोथ करने लगते हैं उसमें, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आने लगता है, तो है प्राइवेट जॉब में है अच्छा ग्रोथ है। जो लड़के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर वो इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में जाने के लिए? अगर वो चाहते हैं कि हम प्राइवेट जॉब में जाएं, तो उनके लिए क्या टिप्स रहेगा कि आप लोग अभी से ये चीज करते रहिए? जैसे गवर्नमेंट जॉब की होती है तो मैं बताता रहता हूँ, जीएस पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते रहिए, तो प्राइवेट जॉब के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको इस फील्ड में जाना है स्पेसिफिकली, मैं आप बीम में जाना है, डिजाइनिंग में जाना है स्पेसिफिकली, डिजाइनिंग में जाना है तो आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज गेन करना पड़ेगा थर्ड ईयर से। वैसे भी कॉलेज में हमको सॉफ्टवेयर रहते हैं ऑटो कैड रेवेट, सिविल में रेवेट रहता है, मैकेनिकल में ऑटो कैड रहता है, तो आप वो सीखते जाओगे, नहीं तो यूट्यूब पे देख के भी सीख सकते हो, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ज्यादा देख के सीखा था, यूट्यूब पे देख के भी सीख सकते हो आप, तो करना चाहिए। और इंटरव्यू की मेनली इंटरव्यू की प्रिपरेशन, अगर सामने वाला जवाब भी पूछता है तो हम कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं या नहीं वो मेन है, क्योंकि हमको कुछ आता भी नहीं होगा और हम कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि नो सर मुझे नहीं आता, तो वो हो जाएगा, लेकिन आप में अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा इंटरव्यू में ही थोड़ा, क्योंकि 2-3 राउंड रहते हैं, पहला तो एप्टी रहता है, एप्टी रहती है पहली, फिर एप्टी क्रैक करने के बाद इंटरव्यू रहता है, फिर इंटरव्यू के बाद आपको एक मॉडल दिया जाता है और सॉफ्टवेयर पे करके दिखाना रहता है। तो अगर आपकी सॉफ्टवेयर आप थर्ड ईयर, हाँ थर्ड ईयर से ही करने लगे थोड़ा 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 सॉफ्टवेयर, ज्यादा डीप में नहीं जाते हो लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर करने लगे तो हो जाएगा, उतना भी नहीं रहता, क्योंकि बाद में वो ट्रेनिंग देते हैं आपको 6 मंथ और 1 ईयर के लिए। तो सैलरी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ तक जाती है? स्टार्टिंग मतलब जब ट्रेनिंग रहते हैं तब 12,000 सैलरी रहती है 6 मंथ के लिए, फिर बाद में 18,000 नहीं तो 20,000, फिर बाद में 1 साल के बाद 25,000, फिर 1 साल के बाद 30,000, इंक्रीज आज इंक्रीमेंट होता है, लेकिन आपके वो काम के ऊपर डिपेंड है वो, अगर आपका काम अच्छा होगा तो ज्यादा इंक्रीमेंट होगी, अगर आप थोड़ा ढीला पड़ गए तो
इंक्रीमेंट के लिए प्रॉब्लम रहता है, वो मेन इश्यू रहता है, इंक्रीमेंट के लिए प्रॉब्लम रहता है प्राइवेट में, इंक्रीमेंट अच्छा जल्दी से नहीं होता। प्राइवेट जॉब में मैंने सुना है मेंटल हैरासमेंट्स होती हैं कुछ, तो उसके रिकॉर्डिंग क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेंटल मतलब सर टाइमिंग, टाइमिंग फिक्स नहीं रहती, मतलब हर रोज नहीं, लेकिन जब आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया तो आपको कभी कभी आज से सुबह 8 से रात के 10 बजे तक भी रुकना पड़ेगा, रात के 2 बजे तक भी रुकना पड़ेगा। और मतलब कैसा रहता है कि आपका जाने का टाइम फिक्स है लेकिन वापस आने का टाइम फिक्स नहीं, तो एक दो दिन के लिए अच्छा लगता है सिर्फ, फिर बाद में इरिटेट होने लगता है। फिर बाद में आपने सीनियर्स रहते हैं उधर, वो उनकी बातें अलग सुननी पड़ती है अगर आपका काम अच्छा नहीं हुआ तो मेंटली तो है सर थोड़ा, इन प्राइवेट कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब मेंटली है हार्ड वर्किंग हो। हाँ हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आपका मतलब एम है कि मुझे इसमें ही करियर करना है, इस फील्ड में ही करियर करना है, तो आपको उसमें जान लगा देनी पड़ेगी, वो मतलब आपका उस सॉफ्टवेयर का मास्टर बनना पड़ेगा, उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा, तभी मतलब आप मतलब अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर रहे हो जॉब, अभी मेरे दोस्त है कुछ कुछ, वो बोलते हैं कि हाँ 6 महीने एक्सपीरियंस लेके छोड़ देंगे, 1 साल एक्सपीरियंस लेके छोड़ देंगे, तो उनका उनमें वो मतलब आग नहीं रहती कि भाई मुझे इसमें ही करियर करना है, हाँ चलो चलने दो जैसा चल रहा है चलने दो, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका करियर करना है उसमें तो आप सीखो, नॉलेज गेन करो, लोगों से पूछो कि भाई इसमें और क्या क्या रहता है, तो आपके लिए अच्छा है वो प्राइवेट, और जितना नॉलेज ज्यादा रहेगा आपको उतनी आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। पहली बात, आप ऑनलाइन टिप्स दे रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ? सर मतलब मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि मैं इतने एक तकरीबन एक साल से एक डेढ़ साल से हाँ एक डेढ़ साल से मैं आपके वीडियो पे ही मेरी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चालू, मैंने मतलब आप SSC JEE के और स्पेशल SSC JEE की सर, वो वीडियो पे मैं वीडियो देख के मोटिवेट होता हूँ, जो प्रिपरेशन करता हूँ, फिर जब कभी डिमोटिवेट होता हूँ आपकी वीडियो देखता हूँ, मोटिवेट होता हूँ, प्रिपरेशन करने लगता हूँ। आप मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पहले पहली बार जब मैंने स्टडी चालू की थी तो मुझे SSC JEE का कुछ पता नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं पता, फिर बाद में मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसमें डिटेल में बताया था कि भाई कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस पे कमांड होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, फिर वो वीडियो देख के मैं SSC JEE की तरफ अभी मतलब उस डायरेक्शन में हूँ प्रिपरेशन की, अभी मैं SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपकी वीडियो देख के मैंने सीखा है सब सारी वीडियो देख, तो मैं लक्की मानूंगा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे सर, आपको देखने को मिला, आप मतलब मेरे लिए तो हाँ सारी वीडियो सर, आप मेरे लिए तो मोटिवेटर है। चलिए ठीक है, आपने जो टिप्स बताए जो स्टूडेंट को हेल्प आउट होगी वो भी उसके लिए, उनके लिए आप मोटिवेटर रहेंगे। तो शुभम जी, अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो फिर से हो सकता है आपकी डिमांड बढ़े तो फिर से हम आपके पास कॉल करेंगे, आप आएंगे? चलेगा सर, चलेगा कभी भी सर, आपके लिए तो कभी भी। ठीक है, इंटरव्यू समाप्त करते हैं, थैंक यू शुभम जी हमारे चैनल पे आने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू। चलेगा सर, चलेगा सर।